जनपद पीलीभीत में दिव्यांगों से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहां दिव्यांग को यूनिक आईडी के नाम पर फर्जी एक यूनिक आईडी दी जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ। डीएम के आदेश पर एसडीएम और सीएमओ ने दो लोगों को पकड़ा है, जिनसे कोतवाली में पूछताछ की जा रही है। यूपी में सरकारी योजना लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। जनपद पीलीभीत में दिव्यांग ईश्वर दयाल की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने जिला पुनर्वास केंद्र के बाहर से आरोपी विशाल को धर दबोचा। कैसे पता लगा गलत है? किन्ने हमें बताया कि ये गलत है, किन्ने बनाया, कितने पैसे लिए, हमने 1500 रुपये लिए। सर, यूनिक आईडी बनाने वाला एक ग्रुप पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े, क्या है पूरा मामला? ये विकलांग लोगों की सहायता के लिए, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए जो यूनिक आईडी कार्ड बनता है, जिसके द्वारा योजनाओं का केंद्र और राज्य की योजनाओं की राशि या सहायता से दिव्यांगजनों को मिलती है, उसको फेक कार्ड बनाने का एक मामला संज्ञान में आया था। और ये संज्ञान में आया था, ये आज भी अपने सेंटर पर ऐसे कुछ कार्ड उनकी बनाने की योजना है, तो इसलिए हमने वहाँ पर एसडीएम को भेजा था। और उसमें एक विशाल नाम के जो दलाल हैं, उसके साथ जो शॉप है, जो बालाजी डिजिटल सेंटर है, उसके जो चलाते हैं संजीव और अमित, तो उनको हिरासत में लिया गया। संजीव हिरासत में है और अभी जो उनके भाई अमित हैं, वो भी हिरासत में, लेकिन उनको जल्दी ही अपनी हिरासत में लेंगे। उनके जो कंप्यूटर है वो कब्जे में ले लिया गया। जैसे ये बड़ा मामला है, तो ये पता करा जाएगा इस ग्रोह ने कितने अब तक सर्टिफिकेट बना दिए फर्जी? ऐसा लग रहा है कि एक पूरी चेन है और लगातार इसकी हम तफ्तीश करने में लगे हैं और जल्दी ही सारी चीज़ें